अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज है, बड़ी जरूरी खबर है। फेसबुक पर आपके फ्रेंड लिस्ट के अंदर जो आपके जो पुराने दोस्त हैं उनके आईडीज को हैक करके उनके मैसेंजर से मैसेज करके आपसे पैसे ऐंठने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे लोग इसके अंदर शिकार हुए भी होंगे और इत्तफाकन ये मेरे साथ भी हुआ है। मेरे एक दोस्त ही हैं फिरोज, उनके साथ भी हुआ है, लेकिन हम लोग बच गए हैं। हम लोग शिकार नहीं हुए, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे लोग शिकार हो चुके होंगे। ये बड़ी ही सोचने वाली बात है कि किस तरह से इस महामारी में इतने बड़े पैमाने पे जो लोग गरीब हैं, इतने पैमाने पे जो लोग बेघर हो रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, पैसे की इतनी आर्थिक कमी है हर जगह, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में इतनी आर्थिक कमी हो गई है कि लोगों के पास खाने पीने तक का पैसा नहीं है। ऐसे हालत में किस तरह से आपको बेवकूफ बना जा रहा है, आपको किस तरह से बेवकूफ बना के पैसे लूटा जा रहा है फेसबुक पर, मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे पास आज 5 एग्जाम्पल्स हैं, आज ही आज की ये घटने हैं, सिर्फ मेरे साथ हुआ, मेरे साथ हुआ, मेरे साथ साथ फिरोज भाई के साथ हुआ। ये जो 3 4 5 जो मैं इंसिडेंट बताऊंगा, ये जेन्युइन इंसिडेंट बताऊंगा, जो कि बिल्कुल मेरे सामने की बात है। मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, ना किसी के कहने पे कर रहा हूं, मेरे साथ हुआ है और आज ही हुआ है, आज ही हुआ है और फिरोज भाई के साथ भी हुआ। लेकिन इत्तेफाक की बात थी और अच्छी बात थी कि हम लोग बच गए हैं। बाकी साथ क्या इत्तेफाक होगा नहीं होगा कोई ठीक नहीं, उम्मीद नहीं है कि शायद किसी के साथ ऐसा हुआ होगा। फिर भी मैं चाह रहा हूं कि इस तरह से मेरे वीडियो बना करके आप सबको इतला करूं, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, उनको आप ये वीडियो शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि किस तरह से धोखेधड़ी हो रही है फेसबुक के ऊपर। आज ये सब रिसेंट हो रहा है, आज कल परसों में होगा और भी बहुत सारे लोगों के साथ होगा। ठीक है, मैंने अपने इसके लिए एक वीडियो भी बनाया था, एक नहीं 3 वीडियो बनाया और तीनों के तीनों फेल हो गए। 3 लाइव वीडियो बनाया था, ठीक है, और वो लाइव में मैंने बताया यही सारी बातें, लेकिन एक तो पहला वीडियो लाइव चला नहीं, दूसरा चला तो आधे में आवाज आई आधे में नहीं आया, तीसरा चला भी पूरा का पूरा लेकिन पूरे वीडियो में आवाज नहीं आई। तो इसलिए मुझे रिकॉर्ड करके ये फिर से वीडियो बनाना पड़ रहा है और आप सबको फिर से मैं बताऊंगा अपलोड करके कि कैसे ये हो रहा है। आप सब इस वीडियो को शेयर कीजिए और जितने भी लोग हैं उनको जानकारी दीजिए कि फेसबुक पर बहुत सारे इस तरह के मैसेज आ रहे हैं। किसी का भी मैसेज आए आपके ऊपर, आपके मैसेंजर पे, फेसबुक मैसेंजर पे, तो जब तक आप उसको वेरीफाई ना कर लें कॉल करके या फिर किसी तरह से वेरीफाई ना कर लें, आप पैसे देने का बात नहीं सोचें। ठीक है, हम लोग भी सोच लिए थे, मैंने भी सोच लिया था देने के लिए और फिरोज भाई भी सोच लिए थे देने के लिए, लेकिन फिरोज भाई थोड़े से होशियार निकले मेरे से और वो उन्होंने जाकर के चेक कर लिया उसकी आईडी पर कि क्या चल रहा है क्या नहीं। और बहुत ही इत्तेफाक की बात है कि किसी तीसरे बंदे ने, जिसने वो मैसेज किया था फिरोज भाई को, उसके किसी तीसरे बंदे ने, दोस्त ने, उनका उसका जो आईडी है टैग करके एक पोस्ट लिखा था कि ये जो बंदा है इनका आईडी हैक हो चुका है, अगर पैसे मांगने का मैसेज जाए तो इनको आप लोग इग्नोर करें। ठीक है, अब वो देखे फिरोज भाई तो मेरे पास मैसेज किए कि यार ऐसे ऐसे हुआ है मेरे साथ, अभी मैं पैसा देने वाला था लेकिन मैं बच गया। जब तक खुद मैं भी सोचा कि अरे मेरे साथ भी ऐसा हुआ, अभी अभी मैसेज आया है, तो मैंने वो चेक किया जो जब उनका मेरे दो, जो दोस्त का मैसेज आया था, बड़े करीबी दोस्त थे मेरे, हैं और दोस्त ही हैं और जिंदा भी हैं। तो वो बड़े करीबी दोस्त थे मेरे, तो मैंने सोचा कि शायद हाँ हो सकता है, इसलिए मैंने सोच भी लिया था देने के लिए। अब मैं उनको उनसे पेटीएम नंबर या फिर जो भी उनका नंबर था मांगने वाला था कैश ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन जब तक इनका मैसेज आ गया फिरोज भाई का कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ, मैंने बोला कि यार मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मेरे साथ हुआ, उनके साथ हुआ, और वो जो पोस्ट डाला था बंदा उसके ऊपर 3 बंदे ने कमेंट किया उनके साथ भी हुआ, और इत्तेफाकन वो तीनों भी बच गए, नहीं दिए वो पोस्ट देख करके। ठीक है, तो इसीलिए ये कितना जरूरी है वीडियो, आप सब को समझने की जरूरत है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सबसे सबको सबके तक पहुंचाने की बात काम कीजिए। ठीक है,
इसलिए शेयर नहीं कीजिए कि मेरे को कोई पब्लिसिटी चाहिए या फिर मेरा वीडियो ज्यादा फैले या कुछ भी हो, लाइक बटन या शेयर बटन को भी वो नहीं चाहिए मुझे, लाइक और शेयरिंग नहीं चाहिए। ये वीडियो बहुत जरूरी है समझने के लिए कि किस तरह से धोखा किया जा रहा है और आपके साथ धोखा हो सकता है। इस वीडियो को देख करके आप इसमें सोच सकते हैं कि अगर ये इस तरह का मैसेज आया आपके पास तो इसको सिरे से खारिज कर दीजिए। आजकल के ये बिल्कुल नया मामला है और इससे बचने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है? इस महामारी में, इस कोरोना वायरस के महामारी में किस तरह से ये तीसरा महामार किया जा रहा है, उसके ऊपर से आप सोच सकते हैं ये कितने बड़े गर्त और कितने बड़े बेगैरत लोग होंगे जो इस महामारी में भी लोगों का पैसा ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ वो स्क्रीनशॉट, वो मैसेजेस कि किस तरह से क्या क्या मैसेज आए थे, आप सब देखिए। अच्छा ये उल्टा दिख रहा है। देखें भाई, इसमें ये देखिए लिखा है, बशीर नाम है उनका, फिरोज भाई को मैसेज किया था और पैसे मांग रहा था। जब तक फिरोज भाई गए उसके आईडी पे और वो देखे कि ये एक पोस्ट किया हुआ है शमशीर नाम ने, शमशीर नाम के बंदे ने, कि ये आईडी हैक हो चुकी है, इसमें पैसे मांगे जाए तो कोई पैसा नहीं दे। अब इस वीडियो के नीचे ही एक इशरार नाम का बंदा है और एक इरफान रॉक्स नाम का बंदा है, ये दोनों ने मैसेज किया कि हाँ मेरे पास भी कॉल आया था, मैसेज आया था, बल्कि कॉल नहीं, मैसेज ही आएगा, कॉल नहीं आएगा। उसके नीचे ये तीसरा बंदा गौरव चौधरी, इनका भी मैसेज है, कमेंट है कि इनके पास भी इस तरह का मैसेज आया था। तो ये चार पांच एग्जांपल्स हो गए, बिल्कुल ये आज का है सीन, ठीक है ना, आज का है, आज का एकदम रिसेंट है, इसलिए ये मैसेज सबसे सबके तक पहुंचना जरूरी है। किस तरह से आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों तक, लोगों को बचाने की कोशिश कीजिए। ये मेरा मैसेज, ये मेरे भाई विकास शर्मा है मेरे गांव के बिल्कुल पास के, इन्होंने मैसेज किया था। हेलो, मैंने बोला हाँ रे, मैंने सोचा कि अरे ये 4-5 साल के बाद से कैसे मैसेज किए। फिर ये हाल चाल पूछे, क्या हाल है, मैंने बोला ठीक हूँ, आप कैसे हो बताओ, और तुरंत इन्होंने पैसा मांगा 10,000 रुपया और कहे कि कल मैं वापस कर दूंगा मॉर्निंग में, ठीक है। इसमें भी है जो इरफान फिरोज भाई, इनसे भी कहा गया था कि शाम को वापस करता हूँ। ये जो बंदा है गौरव चौधरी, इनके भी यही, इनसे भी यही कहा गया है कि शाम को वापस करूंगा। यानी दो चीजें हैं इसमें सोचने वाली और देखने वाली, कि एक तो ये वीडियो, ये जो मैसेज कर रहा है बंदा हैक जो किया है, ये है कि ये जो जितने भी मैसेजेस आ रहे हैं ये पुराने आईडी से मैसेज आ रहे हैं, ठीक है, जो कि तकरीबन जितने भी ये सब आईडी होंगी वो बंद हो चुकी होंगी। और दूसरी बात ये है कि ये सिर्फ कम समय के लिए मोहलत मांग रहे हैं और पैसे भी कम मांग रहे हैं, ताकि आप तुरंत दे दें, सोचे भी नहीं और दे दें। इससे क्या होगा, उनका काम बिल्कुल आसान, और आप सोचेंगे चलो छोड़ छोड़ ज़्यादा ही पैसा नहीं था, कम ही पैसा था, और कल परसों दे ही देगा तो दे दो, और आप शिकार बन जाएंगे। मैं खुद बनने वाला था, मेरे दोस्त फिरोज भाई भी बनने वाले थे, और उनके जो फ्रेंड के फ्रेंड थे 3-4 वो भी बनने वाले थे, इत्तेफाकन सब बच गए। लेकिन सबके साथ ये इत्तेफाक नहीं होगा, सब इसका शिकार बनेंगे। इसलिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाइए कि किसी का भी मैसेज आए तो इस तरह का मैसेज से बचने की कोशिश करें। फेसबुक पर यही सब चल रहा है यार, खाली हिंदू मुस्लिम नफरत, झगड़े, राजनीति और अब ये धोखाधड़ी। खैर, धोखाधड़ी तो बहुत दिनों से होती आई है फेसबुक पर,
लड़कियों के नाम पर, खूबसूरत खूबसूरत फोटोज के नाम पर, लेकिन अपने दोस्त का मैसेज आए जब ना, तब आपको कैसा होगा, कैसे पहचानेंगे आप, धोखा खा जाएंगे। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरा ये मैसेज सबको पहुँचाइए। लोग हिंदू मुस्लिम करने में नहीं बाज आ रहे हैं, कुछ लोग धोखाधड़ी करने में बाज आ नहीं आ रहे हैं। कोई हिंदू मुस्लिम गाली दे रहा है, कोई मुसलमान हिंदू गाली दे रहा है, कोई कह रहा है कि हलाला की पैदाइश, कोई ये कोई वो। अच्छा हलाला, ये इस वीडियो में मुझे पता नहीं बात करनी चाहिए कि नहीं, चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ हलाला के बारे में। आजकल बहुत ये जो है ना बात, सबको जितने भी ये कट्टर जो हिंदू है ना, जो गाली गलौज कर रहे हैं फेसबुक पर, ये कहते फिर रहे हैं कि तुम हलाले के पैदाइश हो, हलाले के पैदाइश हो, सबको, मुसलमान को, जितने भी मुसलमान है सबको कहते हैं। तो हलाला का जो कंसेप्ट है मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा शॉर्टकट में। हलाला जो है ना, असल में इस्लाम में एग्जिस्ट नहीं करता, ये इस्लाम में एग्जिस्ट करता ही नहीं, है ही नहीं, ठीक है ना। ये एक टर्म है जो एक एक्सीडेंट होता है, जिसको इंसिडेंट होता है उसको हलाला कहा जाता है। अब वो इंसिडेंट क्या है, इंसिडेंट ये है कि जो असली इस्लामिक तरीका है तलाक का, वो जो तीन टर्म्स हैं तलाक के, वो पूरे करने के बाद अगर कंप्लीट हो गया तलाक इत्तफाकन, वो भी बहुत मुश्किल है कंप्लीट करना तीनों टर्म तलाक के, तभी आपका कंप्लीट होता है, ये समझ लीजिए। तलाक वो कोई मामूली चीज नहीं है। अगर ये एक तलाक हो गया इत्तफाकन और आपकी जो वाइफ हैं उनका कहीं और शादी हो गया, वो भी इत्तफाकन है, और शादी होने के बाद इत्तफाकन वो भी फिर से तलाक हो गए, या फिर वो मर गए, या फिर जो भी हुआ, ये तीसरा इत्तफाक है, इत्तफाकन वो मर गए, जो भी हुआ, तलाक हो गया, आप अलग हो गए, उनकी वाइफ अलग हो गई, फिर अगर आप उनसे शादी करना चाहें ना, तो शादी वैसे ही करेंगे नॉर्मली, जैसे आप नया शादी करते हैं, ठीक है, निकाह करते हैं, सारा कुछ, महरम वगैरह सारा कुछ, सब कुछ एकदम सेम सेम नया। अब वो ये जो चक्र हुआ ना, इसको हलाला कहते हैं। बड़ा ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। जिस तरह से अगर कोई गाड़ी जा रही है, किसी दूसरी गाड़ी से टक्कर खा गई है, या फिर ये गिलास गिर के टूट गया, जो आईना है गिर के टूट गया, इसको एक्सीडेंट बोलते हैं। उसी तरह से ये जो चक्र पूरा हुआ ना, इसको हलाला कहते हैं। ये प्री प्लान जो करने वाला सीन जो चल रहा है ना आजकल हमारे हिंदुस्तान में ज्यादा चलता है, ये बड़ा ही गलत रिवाज है, ये एक कुप्रथा है। कुप्रथा जिस तरह से एक क्षति प्रथा था पहले कि हिंदू समाज में, कि अगर कोई मर जाता था हस्बैंड तो वाइफ को जल के मरना पड़ता था, उसी तरह से ये जो है ये भी एक कुप्रथा है जो कि इन्वेंट कर लिया गया है। ये असल में है नहीं इस्लाम का हिस्सा, ठीक है, और इसको इन्वेंट करने वाले हमारे समाज के ही जाहिल मुसलमान हैं। इसका दोष हमारे समाज के जाहिल मुसलमानों के ऊपर ही है। हलाला का तरीका ऐसा नहीं होता प्लान करके कि हाँ तलाक दे दिए हैं तो किसी तीसरे से शादी करा करके फिर से उसका तलाक करा के फिर से हम शादी कर लें, ये इस्लाम का तरीका नहीं है। इस्लाम इलॉजिकल चीजें नहीं करता, ये बड़ा ही इलॉजिकल चीज है। इस्लाम की जितनी भी बातें हैं जेन्युइनली जो ओरिजिनल इस्लाम है, वो इस तरह के इलॉजिकल बात नहीं करता, ना इस तरह के इलॉजिकल मैसेज देता है, और ना इस तरह का इलॉजिकल धर्म है इस्लाम, अगर आप समझने की कोशिश करें तो। ठीक है, तो जो ये आजकल गाली देते फिर रहे ना, हलाले के पैदाइश, हलाले के पैदाइश, हलाला करने बैठ जाओ तुम असली तरीके से, तब तुम्हें मालूम चलेगा हलाला क्या है। 3 जन्म लगेगा कम से कम, 3 एक हलाले में समझ गए। तो मेरा जो मैसेज था, सॉरी इस बात के लिए, ये मैंने इसमें मिक्स कर दिया, मैसेज यही था कि फेसबुक के ऊपर मैसेज करके आपसे पैसे ऐंठने की कोशिश की जा रही है, इससे बचने की कोशिश करें। मैंने 3 वीडियो बनाया, 3 लाइव किया, तीनों के तीनों फेल हो गए, इसलिए मुझे रिकॉर्ड करके करना पड़ रहा है। सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सबको पहुँचाएं ये मैसेज, कि जिसका भी मैसेज आता है आपका पैसे के लिए, उससे बचने की कोशिश करें, सबसे पहले वेरीफाई करें तभी आप उसको पैसे दें। जय हिंद।